हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैचिंग वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट श्रीमी सिकंदर। दोस्तों, फाइनली जाके हमारे ऑटो वाले अंकल ने देख लिया है सेकेंड डे पे आके शमशेरा। अशोक सर, क्या दिक्कत थी जो कि आप शमशेरा मूवी नहीं देख पाए? तीन दिन से जुलाब लगा। अच्छा, चलिए जो भी हो, लेकिन फाइनली प्रॉब्लम हुआ। हाँ, देखा है शमशेरा। चलिए आपसे जानते हैं कि आपको कैसे। और मैं हालत खराब हो चुका था, आप लोगों में वीडियो डाला था, देखे थे मेरा। हाँ, तो ठीक हूँ और इतनी हालत नहीं थी कि मैं आके देखूँ। मैं भी चलिए आप फाइनली जाके शमशेरा देखा। हाँ, फर्स्ट शो देखता हूँ, आप लोग को मालूम ही है। कैसी लगी आपको शमशेरा मूवी? एक नंबर है। और पहले से ही जो है ऑलरेडी ऐशराज बैनर तले जो मूवी बनती है, लगातार दो तीन मूवी फ्लॉप हुई और उसको ही ले करके जो है कई मीडिया वाले, कई जो है बहुत जन जो है इसके ऊपर जो है हमला किए और उसको जो है कितने जन तो है मतलब मूवी देखे नहीं, किसी का फ़ोन आया ऐसा ऐसा है, आप बोल दो घर में बैठे बैठे देख करके, और बोलते हैं ये पिक्चर देख करके गोली खाने। अरे भाई, गोली खाने पहले मूवी देखे ही नहीं तो गोली कैसे खाओगे? मूवी देखोगे तो गोली नहीं खाओगे, गोली भूल जाओगे कि अपने पूर्वज लोग कैसे कैसे मतलब कितने मुसीबत से अंग्रेज लोग के बीच में से निकले। ये देखे हो? हम नहीं देखे, हमारे माँ बाप देखे हैं सब कुछ, हम लोग थी कि हम लोग जानते हैं। तो ये सब जो है ना मतलब बहुत से इसके ऊपर टारगेट हुआ है। टारगेट क्यों हुआ है? दो तीन महीने से साउथ की मूवी सुपर हिट हो रही है, उनके दिमाग में वही घूम रहा है, बस हुआ वही दिख रहा है। जिस बहुत से ऐसे मैं रिव्यू कल मैं बैठे बैठे घर में देखा और जो है मैं देखते गया तो कुछ बच्चे लोग ने जो है अच्छी बोली क्योंकि उन्हें अच्छा लगा। सिर्फ इसमें लॉजिक एक ही है, यही है कि जो हीरोइन है आइटम सॉन्ग के टाइम पर नए जमाने का कपड़ा पहना दिया। अरे क्या, ये एस राज ने और जो है क्या नाम मल्होत्रा, ये करण मल्होत्रा, करण मल्होत्रा इतना सही जा रहे थे, डायरेक्शन सही कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा उन्होंने चूक की। बाप को सही कपड़ा पहना है, माँ को सही कपड़ा पहना है, पूरे मूवी में सही कपड़ा पहना है, सिर्फ आइटम सॉन्ग में जो है कपड़ा गलत पहना दी, वहीं पे मार खाया। इसके वजह से ही जो है सब लोग क्या, एक अभी हर एक मूवी में कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई लॉजिक है, और वो लॉजिक की वजह से तुम पूरे मूवी को सत्यानाश करोगे। अरे भाई मेरे, एक के वजह से नहीं ये कर सकते। मूवी जिसे देखना है देखो, नहीं देखना वो देखो, लेकिन ये मूवी छोड़ने का मतलब ये है कि आप फालतू मूवी देख करके वाह वाह करने सच्चा एक बार मूवी देखो। चलिए हम बात करेंगे अगर संजय दत्त रणवीर कपूर की परफॉर्मेंस की तो दोनों। अरे बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, और जो जिस हिसाब से रणवीर कपूर ने परफॉर्मेंस दिया है आने वाले टाइम में बहुत बड़े सुपरस्टार, जो कि अमिताभ बच्चन की सीट खाली हुई है। अच्छा। बहुत जल्दी उनके भले ये मूवी को कितना भी टारगेट करे। देखो ऑटो वाले अंकल जो बोल दिया वो पत्थर की लड़की लकीर है, 2014 में बोला मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा। इसलिए मैं अभी भी बोल देता हूँ मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। रणवीर कपूर आने वाले अभी ये करुणा निकल गया, लेकिन बहुत बड़ा सुपरस्टार ये बनेगा बंदा और इसके जैसा एक्टर, क्योंकि सबसे पहली बात है मैं कोई भी आप उठा के देख लो कि जितने भी हीरो है, जितने भी आज के तारीख में अच्छे अच्छे है, चाहे कोई भी बड़ा है, मैं बोलता हूँ डबल रोल करके देखो बाप और बेटे का, एक आदमी भी नहीं आएगा। ये बंदे ने करके बताया कि मैं अमिताभ बच्चन का झलक हूँ। क्या बात है सर। ऋषि कपूर नहीं, ऋषि कपूर के बहुत बड़े मित्र थे अमिताभ बच्चन, लेकिन अभिषेक बच्चन नहीं चल पाया, लेकिन ये बंदा जो है इसने ये आज नहीं कल जो है बॉलीवुड को जरूर ये करेगा, भले कोई भी हो। यश राज का भले, यश राज ये ऐसे नहीं एक फाउंडेशन का नाम है, वो लोग फ्लॉप कर रहे हो ये कर रहे, जान दो यार एक मूवी, लेकिन इससे बहुत नाम मिलेगा। अमिताभ की मूवी बहुत फ्लॉप हुई थी लेकिन आज जो है बहुत बड़े ये हैं, महानायक के नाम से जाना जाता, भले जो भी हो आज उनके आवाज़ के बादशाह हैं। ऐसे ही रणवीर कपूर जो है एक्टिंग कूट कूट के भरा हुआ है, एक्टिंग में कुछ कमी नहीं है। आज जो है जैसे अमिताभ को एक ब्रेक मिला था प्राण के साथ में, वैसे ही जो है संजय दत्त के साथ जो है एक काम करने को मिला, अच्छा खासा दोनों में फाइट होती है, एक्शन होती है। अरे वो एक्शन देख के ही आपका पैसा वसूल चाहिए हो जाएगा। क्या आइटम सॉन्ग देखने जा रहे हो, कपड़ा देखने जा रहे हो? अरे भाड़ में जाओ मूवी देखो यार, संजय दत्त इज बेस्ट, रणवीर सिंह रणवीर कपूर बेस्ट। चलिए लास्ट सवाल, 5 में से स्टार कितना देंगे रेटिंग? देखो भाई, हम लोग जो है सब मीडिया वाले लेके चलते 5 स्टार, इसे देना चाहिए बहुत स्टार, लेकिन जो ये लोग परफॉर्मेंस दिया है इनको 5-5 स्टार और मूवी को भी 5 स्टार, कोई दे चाहे ना दे मैं दूंगा, मुझे अच्छी लगी मैं और देखूंगा। देखो दूसरे को अच्छी लगी, एक लॉजिक की वजह से मैं पूरी मूवी नहीं छोड़ सकता, मुझे लगी अच्छी। भाई मेरे जो मूवी ये छोड़ेगा बहुत पछताएगा, पड़े रहो
हम भी साउथ की मूवी देखते हैं, हम किसको ये नहीं करते, लेकिन हम जो है समोसा और वो खा करके वाह वाह जा करके हम वो प्रीमियर शो में और उसमें नहीं, हमको जो अच्छा लगा लड़की मूवी में गया राम गोपाल वर्मा का, उसमें देखा हमको जो अच्छा लगा बोला, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नई कंटेंट दिया था, 3 स्टार दिया था एक ब्रूस ली को लेकर, क्योंकि राम गोपाल वर्मा का जो है एक सस्पेंस के हिसाब से, लेकिन हमने जो है देखो पहली बात क्या है ना, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पहली बात यही है, मैं यही बोलूँगा किसी के बहकावे मत जाओ। और ये मूवी जो है सिनेपोलिस, फिर हो गया गेटी गैलेक्सी, यहाँ पे आपको सिनेपोलिस में अच्छा खासा सब व्यवस्था है, मैं यही बोलूँगा कि अगर आजू बाजू में है तो आप सिनेपोलिस जाओ, नहीं तो आप बांद्रा साइड हो तो आप गेटी गैलेक्सी जाओ, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इंतजाम है, आप लोग मूवी ज़रूर देखो, ये मिस मत करो। साउथ की मूवी आएगी आएगी, हॉलीवुड की मूवी आएगी आएगी, लेकिन एसराज ने मेहनत की है भाई, देखो 2 मूवी फ्लॉप हुई तो क्या हो गया, ये मूवी तो देख के हो एक बार देखो। रणबीर कपूर ने जो है जो परफॉर्मेंस दिया है, संजय दत्त ने KGF के बाद जो दिया है वो आज तक आप नहीं दिखा होगा, इसमें देखा तो मैं देखा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बाय। देख सकते हैं दोस्तों ऑटो वाले अंकल को काफ़ी अच्छी मूवी लगी सनसेरा, आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे तो आज आके फटाफट देखो, और आप लोग कितना हमारे ऑटो वाले अंकल के बातों से सहमत हो ये भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और ऑटो वाले अंकल चैनल को भी देख लेना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ऑटो वाले अंकल चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनको भी प्यार दें। बस भाई इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय महाराष्ट्र।